हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ टीवीएस की न्यू जुपिटर 110cc का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, क्या क्या चेंज किया है इस गाड़ी में कंपनी ने, और क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है, ऑन रोड प्राइस क्या है, क्या क्या कलर ऑप्शन है। तो चलिए इससे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू शाओ टीवीएस का मार्टी, जिन्होंने हमको गाड़ी दिया ताकि मैं इस गाड़ी का रिव्यू आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आपको टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका फोन नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है, तो ये आपका डिस्क मॉडल है। जो डिस्क मॉडल का ऑन रोड प्राइस है वो आपका 111,000 है। अगर आप ड्रम मॉडल लेते हो तो उसका ऑन रोड प्राइस है 107,000। दोस्तों ये टॉप मॉडल है 110cc का। इस गाड़ी में दोस्तों आपको टोटल 6 कलर मिल जाता है। ये जो सामने आप कलर देख रहा है ये आपका मैट कॉपर कलर है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे फुल LED मिल जाता है पैनोरामिक, और इसमें ही आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और साथ ही साथ ही इस गाड़ी में दोस्तों आपको हैजर्ड लाइट भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपका नंबर माउंट, यहाँ पे 3D लोगो TVS का, और यहाँ पे एयरबैंड दिया गया है, और ये वाला पार्ट आपको फुल्ली ब्लैक कलर में मिलता है, ग्लॉस ब्लैक में। और यहाँ पे फेंडर आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट आपको मेटल का मिल जाता है। दोस्तों फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, दोनों ही तरफ रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 90/90/12 का आपका ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। डिस्क ब्रेक मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, सिंगल कैलिपर डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है, साथ ही साथ आपको पेटल डिस्क मिलता है, जिसकी वजह से हिट डिसिपेशन अच्छा होगा और आपका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिलेगा, और रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ एयरबैंड दिया गया है। और इस तरफ से मैं आपको दिखा दूँ, गाड़ी में उतना ज़्यादा स्टिकर है नहीं, एकदम सिंपल कलर है, मैट कलर है, और यहाँ पे ग्लॉस वाला पार्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको LED में हेडलाइट मिल जाता है, मैं आपको दिखा दूँ, और ये वाला पार्ट आपको ग्लॉस ब्लैक में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस गाड़ी में आपको मिलता है। मिरर आप देख सकते हैं, TVS की ब्रांडिंग, सिंपल सा मिरर मिल जाता है। पहले मैं आपको एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं LED में हेडलाइट आपको मिल जाता है। ये इसका लो बीम है, और यहाँ पे इसका हाई बीम इंटीग्रेट इसमें ही मिल जाता है, और यहाँ पे आपका पासिंग का स्विच मिल जाता है, और यहाँ से आप रियर ब्रेक को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलिए एक बार मीटर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुली डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हॉर्न का साउंड, हॉर्न आपने सुन लिया, एक बार आपको एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ मैं। तो एग्जॉस्ट नोट एकदम स्मूथ है, और यहाँ पे मीटर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे आपको ट्रिप ए दिखाएगा, ट्रिप बी दिखाएगा, यहाँ पे आपका रेंज दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओडो दिखा रहा है, यहाँ पे फ्यूल, ट्रिप ए, ट्रिप बी, यहाँ पे टोटल आपको 2 ट्रिप दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइम दिखाएगा, तो ये है। और यहाँ से स्विच दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, इसी में पासिंग आपको मिलता है। यहाँ पे इंडिकेटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट जाएगा और यहाँ पे राइट जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा 2-4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे हैजर्ड आपको जल जाएगा, ठीक है। इसमें ही सब कुछ दिया गया है, और यहाँ से इंजन को बंद कर देता हूँ, ठीक है, आपने देख लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है, आप चाहे तो छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे आपको 2 पॉकेट मिलता है, यहाँ पे फ्यूल का जो सिस्टम है सामने की तरफ दिया गया है, यहाँ पे पुश से ये लॉक हो जाता है, E20 वाला गाड़ी है, और यहाँ से ही आपका गाड़ी ऑन हो जाता है। जैसे गाड़ी यहाँ पे आप देखिए, गाड़ी ऐसे बंद कर दिया तो ये ऑन हो गया, ठीक है, यहाँ से ऑफ हो गया, और यहाँ से थोड़ा सा खुल जाता है सीट खोल, हल्का एक टू प्रेस कर, हाँ ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर, ऑन दो कर, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ से सीट खुल गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 2 हेलमेट रखने की जगह आपको मिलता है, काफ़ी बड़ा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप चाहे तो आराम से अपना 2 हेलमेट यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको OBD स्कैनर मिल जाता है, ठीक है। अभी चलिए इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ से ही आपको लॉक सिस्टम भी मिल जाता है, और यहाँ से ही आपका ये वाला पार्ट फ्यूल का खुल जाएगा, ठीक है। साइड से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 3D में आपको क्रोम फिनिश में जुपिटर लिखा हुआ मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे फुटरेस्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको मैट ब्लैक में मिलता है, ये वाला क्रोम फिनिश यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ से आप गियर ऑयल चेंज कर सकते हैं। पीछे की टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 90/90/12 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है,
मैट ब्लैक में आपको अलॉय व्हील मिल जाता है। पीछे से एक बार गाड़ी दिखा दो, एक बार इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन करके इसको हैजर्ड को थोड़ा ऑन कर लेते हैं, देखने में खूबसूरत लगेगा। ऑन हो गया। पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपका बैकलाइट और यहाँ पे इंडिकेटर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आपको TVS की 3D लोगो और ये वाला पार्ट ग्लॉस ब्लैक में, यहाँ पे आपको नंबर और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ इंजन के ऊपर, यहाँ पे आपको TVS लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे मेन स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको 183 cc का इंजन मिल जाता है, जहाँ पे आपको मैक्स पावर मिलता है। 7.61 BHP आपको पावर मिल जाता है और 9.8 Nm टॉर्क आपको मिल जाता है। गाड़ी का टोटल कार्बो हाइट है आपको 106 kg। सीट हाइट आपको मिल जाता है 765 mm का सीट, आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड सीट है। यहाँ पे जुपिटर लिखा गया है और यहाँ पे सीट कुशनिंग आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। गाड़ी का जो कर्ब वेट है वो आपका 106 kg है, माइलेज लगभग आपको 50 तक का मिल जाएगा। और दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो साइड स्टैंड की जगह है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, साइड स्टैंड है नहीं तो साइड स्टैंड आपको एसेसरीज में खरीदना पड़ेगा, गाड़ी के साथ मिलता नहीं है, जो आपको 400 रुपये पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया, तो यही था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हुक मिल जाता है, हुक के अंदर भी TVS लिखा गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, आप चाहे तो फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और गाड़ी में आपको 5 साल 50,000 किलोमीटर के इंजन वारंटी मिल जाता है। तो यही तक था। अगर दोस्तों आपको कोई भी गाड़ी खरीदना है तो आप शाउटिंग बेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।